गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं 10:30 बजे से, क्योंकि कल शादी से संगीत से बहुत लेट आए थे, तो तभी तो अभी हम सुबह 10:30 बजे उठे थे। और मम्मी लोग यहाँ पर चिल्ले प्याज। और चलो मैं सभी पूछता हूँ कि आज दिन में अभी जाएंगे शादी में या नहीं जाएंगे। मम्मी बताओ, जा रहे हो नहीं जा रहे हो आज शादी में? और आज थोड़ा मैं लेट हो गई थी गाइस, तभी मैंने जल्दी आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा। आज मैं 5:30 बजे उठूँ, 5:30 बजे से मेरा काम खत्म होगा। अब काम खत्म करके अब मैं प्याज काट रहे, कल हमने प्याज उखाड़ा था और अब प्याज काट रहे हैं, फिर साफ करके अलग जगह में रखेंगे। और आज बाबू शादी में नहीं जाते हैं क्योंकि लग रही है कड़कदार धूप। जब अभी 10:30 बजे इतनी धूप लग गई, तेज धूप लग गई, तो दिन में क्या लगेगी, कितनी लगेगी सोच। और यहाँ से जाना भी सुबह, पापा घर में होते तो हम लोग चले जाते कार से, नहीं पापा गए हैं शादी में तो हम लोग बाइक से नहीं जाएंगे। और मैंने नानी को बोल दिया, नानी से बोल दिया पानी पानी के लिए, नानी से बोल दिया मैंने। चलो ठीक है, फिर रात को लड़की की शादी बेटा, अभी वो चले जाएगी शाम को, रात को क्या करेंगे, जाके बर्तन धोने जाएंगे। इधु प्याज अच्छो हमार साफ करन, इधु कर ये सब सासू माताल कर रहा है। और यहाँ वाले मैं तो ला रही हूँ, 4-5 दिन कर रहे हैं। मैं अपना काम में छू, मम्मी रहता आधे घंटे होगी आई ना मम्मी है, अरे पपल्ला कर रहा है बल बिल्ली, रात का मना पपल्ला काटी बोलू पप्पल ने ये वाल कर रहा बल बिल्ली ब्याल, हम लोग के मलाहंगी में ला गया ये पप्पल कर रहे हो साफ। अब हम ये साफ कर रख दो यहाँ किनार में बिल्कुल फैला भेज की, यू छोड़ो ना ना मम्मी। मैं पाली भाषा बोलूँ मणिपुर जी, आप लोगों ने बढ़िया लग ली कॉमेंट कर, मैं पहाड़ी में ही बात करूँ पूरा ब्लॉग में, ठीक छू। मैं यहाँ पे आज ऐसा करूँ, मैंने मंतु से बोल दिया कपड़े उठाओ, देख मंतु चले जाओ बाबू, तू फटाफट चिमटी निकाला मेरा बच्चा, दौड़ के चल जा जा बाबा, फिर चले जा मेरे बच्चे जा मंतु, वो उठाने लगे जा, तू चिमटी निकालेगा जल्दी जल्दी हो जाएगा कर रही हूँ, जल्दी जा दौड़ के जाओ, निकालने भी लगे कपड़े ऊपर तार से, वो बेचारी देखती होती धूप में, जल्दी जा अभी तो 10:30 हो रहा है, धूप नहीं लगी अभी, बाहर में तो और तेज लगेगी, चिमटे निकाल तू फटाफट और मंतु उठाएगी, मंतु एक बार कहने में चले गई सीधे छत में। और इस लड़के को देखो, ओ मेरा बच्चा वो कपड़े उठाने लग गया है। अब हम प्याज आज वो कर रहे थे, मैंने कहा बाबू जाओ तुम उठा के लाओ, अंदर रख देना बाद में मैं तय करके रख दूंगी। अब मंतु उठाने लग गया मेरे कपड़े, अब देख कितने धीरे धीरे जा रहा है लड़का, देख नहीं अभी इसको धूप लग रही है, अभी दीप कहेगा इसे साइकिल चलाने आ तो ये जल्दी से जाएगा साइकिल चलाने ना, अभी तक भी नहीं दिखाए सीढ़ियों में, उनके धीरे जा रहा, देखो उसने आधी तार कपड़े निकाल दी, अबे खाने के बाद दौड़ के जाता है ये फर्स्ट में, काम करने के मामले में ऐसा कपड़े किसने उठाए किसने उठाए, ये क्यों मुंह ढक रखा होगा माही, खल्ली खल्ली माही खाली बुढ़ा क्या है, मैंने सब देखी थी इधर से। मंतु ने लगा दिया यहाँ पे कपड़े उठाने के बाद, मंतु ने लगा दिया यहाँ पे झाड़ू, झाड़ू लगा के अब मंतु यहाँ से सारा प्याज बाबू इधर से कर, यहाँ से प्याज उठाएगी और इस किनारे लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए फैला दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा हवा लगेगी, तो हवा लगेगी और यहीं पे रख रहे हैं प्याज को खाली जगह में, फिर बाद में यहीं पे से खाएंगे और हवा लगेगी तो ये सड़ेगा नहीं, इसलिए अब हो गया प्याज का पूरा काम। प्याज हमने काट के सारा ऐसे करके सारा किनारे किनारे लगा दें, क्योंकि बाहर इसलिए लगाया क्योंकि हवा भी लगते रहेगी, प्याज सड़ता नहीं है। अब लग गया है हमारा पूरा प्याज इधर तक, और अभी ये कचरा है मम्मी कह रही है अब धूप लग गई है रहने दे, अब धूप लग गई है रहने दे, ये कचरा आप शाम को फेंकेंगे जो प्याज का होता है। अब और थोड़ा एक तसला ये थोड़ा उड़ता है, थोड़ा जैसे कहीं से फटा खराब सा हुआ है, ये खराब सा हुआ है, मम्मी कह रही बोले यही वाला तसला खाएंगे, अब इसको वहाँ रख दे और पहले हम इसी प्याज को खाएंगे। अब हम मार्केट से नहीं खरीदे क्योंकि अब गर्म हो गया प्याज, लेकिन मार्केट का भी अभी है आधा किलो बराबर है, फिर उसके बाद हम यही वाला खाएंगे, वो वाला बाद में आराम आराम से खाते रहेंगे, पहले बड़े बड़े दाने खाएंगे क्योंकि बड़े दाने फिर ख़राब हो जाते, छोटे तो नहीं होते, इसलिए मम्मी कहती पहले बड़े दाने काटना,
बाद में छोटे दाने तो चलते हैं फिर बहुत दिनों तक भी। अब हो गया सारा काम, अभी बज रहा है 11:30 और आयुष खा रहा है फिर खाना अकेला। दोनों भाई बहन हमेशा रोज़ एक साथ खाते हैं सुबह का भी, और मुझे थकाई लग गई है प्याज साफ कर करके, कभी कचरा कचरा सारा फेंक के आई थकाई लगी है। और भात में घी डाल के खा रहा है कहते, और सलाद नहीं लाया, लाया है खीरा नहीं लाया, प्याज लाया। और माया और ये हमेशा एक साथ खाते हैं, आज हो गई है इनकी बैंकर वाली लड़ाई। तो मन तो खा रही है बाहर और आइस खा रहा है अंदर। अभी मैं दिखाती हूँ माँ खा रही है, मम्मी ला गई है खीरा दाल ना इधर दे मेरे को। मंतु इस पर इतना चीज करती है ये, और ये उससे लड़ाई करती है। मंतु आओ बा, खीरा खाएगी मेरे बच्चा। हाँ मुझे तो कहा भी आयुष से लड़ाई हुई है तो गुस्सा। मंतु वहाँ बैठ के खा रही है, उससे मैं नहीं आ रही हूँ। अब जब इसका गुस्सा शांत हो गया खुद ही भूल जाएगी और खुद ही आ भी जाएगी अंदर। अभी मैं जितना भी उसको बुलाऊंगी वो और ज़्यादा उसको चिढ़ाती है, फिर गुस्सा जैसा हो जाती है। सबसे नहीं बोलो सही है, दूरी रहो। और एक कैसे बाहर गिरा रहा है देखो नीचे सोफे, देख सोफे में देखिए। अभी क्या बोलता है, झूठ बोल रहा है देखो, मैंने बाहर नहीं गिराया बोला। और ये देखो आज जवान क्यों चलती थी कैची के बराबर। ऐसा कोई बात है, वहाँ पे रख के खा, ऐसे रख के खा, खीरा खा लो। मारे बेचारे खीरा रखा टूट के बनाया है, रास्ते में इसने उसको गुस्सा जा दिया। आयुष से मंगाई थी मैंने आइसक्रीम, आयुष भूख को देने गया था बात। अब लाया आयुष आइसक्रीम, किस किस को लाया बता बता। अब हम लोग खाते हैं आइसक्रीम। आयुष अभी और दिन तो मम्मी की ड्यूटी लग रहती है वहाँ देने के, आज आयुष था तो पकड़ लाया हमने मैंगो। आयुष हमने लिए मैंगो वाली लाया, फटी नहीं रही है रे मेरी तो अच्छी, अब फटी क्या मोबाइल कोई छिल दे सोच रहा है मेरा है। एक हाथ से छिल दिया मैंने देखो, एक हाथ से फोन पकड़ा है। सीख लो क्या सबने छिल लिया, हमारे माए ने भी छिल ली, मम्मी ने भी, बुड्ढा तो सबसे सुपर फास्ट भी मेरे आपसे पहले। आयुष बुड्ढा सबसे, आयुष कौन सा लाया अपने लिए मजा आ गया। अभी उड़ के हम चाय है पी के, अभी बजे हैं 4 और आए इन लोगों का ट्यूशन नहीं है, आज संडे है। तो मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ बोल रहा है, ये बोर हो रहा है तो क्या करेगा बताओ, काम करेगा चल मेरे साथ। चल भैंस को पानी आने देने लग, इसको किरण दी के घर जाने की हुई है मुझसे पूछो। किरण दी के घर नहीं, यहीं पर खेल रहे हैं। दीपोड़ा कहाँ है पता नहीं, कहाँ गया तेरा दोस्त दीपोड़ा, इतनी धूप आई है। तभी अभी 4 बज रहे, अभी गर्मी है, अभी थोड़ी देर में 5:30 बजे के टाइम में होगा ठंडा, उसके बाद खेलने जाना। और मंतुली क्या कर रही है पता ही नहीं है, मंतुली को देखते हैं बुढ़ा वाले रूम में क्या कर रही है देखा जाए। फिर मैं कर दूंगा सारा काम, अब चाय पीते खाली दूध निकाल रखा है, उसके बाद करते हैं जानवरों का फटाफट से काम। मेरे मंतुल जी करण बना, मेरे मंतुल बोतल काट कूट के और कलर कर रही है ये जी, कुरबुद्धि हो रहा है मेरे मंतुली का। मेरा तो काम है भाई, कहाँ बैठूँ, मम्मी भी भैंसों की तरह बनाई क्या कर रहे हैं, और मैं भी चाहती हूँ अब करा जाए काम। मेरे दोस्त लोगों का कितनी कॉल आ रही थी, आ शादी में आ कहती, तो मेरा सर दर्द भी हो रहा था और ऊपर से इतनी गर्मी, तो मैं नहीं गई। अब लोग गए हैं, मैंने बोला तुम लोग करो भाई एंजॉय करो, मैं आज नहीं आने वाली। अब पति देव घर में होते
पक्का जाती, आराम से हम लोग 12 बजे भी निकलते, 1 बजे भी निकलते घर से, तो बंद गाड़ी में जाते इतनी गर्मी में, फटाफट से तैयार होते, सब 4 बजे हम गाड़ी में चले जाते। अब घर में थे नहीं हम अकेले, अकेले तो कहे दो तो थे शैतान मेरे, लेकिन स्कूटी में इतनी गर्मी में कैसे जाएं, 1-2 बजे की कड़क धूप में, बारात 2-3 बजे के टाइम में आती है, फिर इतनी गर्मी में हम लोग स्कूटी में कराते, अगर गाड़ी होती घर में वो, जैसे उनकी कल बुकिंग हुई थी, जैसे आज बुकिंग नहीं होती तो हम पक्का जाते साथ, कोई नहीं, लेकिन संगीत में खूब मजे करे, अच्छा लगा जाके। ब्लॉग में बने रहिए, दिन में सोता नहीं है तभी याद है, मैं तो भाई सो गई थी आज 12:30 में, सो गई उठी 3 बजे उठ गई, 3 बजे उठ गई थी, मैं तो सोची पक्का हूँ दिन में तभी अच्छा लगता, और नहीं सोऊंगी तो बोर हो गया मैं, चटक मारूंगी। काट रहे हैं घास, मैं जा रही हूँ घास लेने, आज सुबह नहीं काटा हमने घास क्योंकि सुबह आज प्याज आज बनाया हमने, तो अभी घास काटते हैं मम्मी, और इसमें भर दिया, मैं फटाफट रख के आती हूँ, और हवा की तो चल रही है, मम के जाम रहे हो फड़वा ले, मेरे तीनों शैतानों का क्या क्या काम हो रहा है, और ये मेरा दुपट्टा ओढ़ के कौन गधा है यहाँ पे, और मंतु का आज क्या क्या बन रहा है मैं आगे आपको दिखा रही थी, मंतु क्या बना रही है करके देखो, आप मंतु क्या बना रही है, होली है, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, ये 4 बोतल, यू कुछ डांस का, डांस का सबको दिखा दे, अब क्या करूँ रे मैं झुमरी रह गई हूँ, या किरण क्या डांस करा, किरण भी कर दे, किरण भी कर दे, अच्छा लगा था रे गुलाब, वाह वाह वाह, अब मन तो लग गया काम में, अपन भी पीता है पानी, ठंड हो जाए बात ठीक हो जाए, मैं ले दीपा, मन तो इसमें पेड़ भी लगाने लग गए फूल के, ये होते हैं बेल वाले, मन तो बेल वाला भी लगाने लग गया, ये अभी दिख रहा था थोड़े दिन में, आज देखो ऐसा लग रहा है अभी थोड़े दिन में मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे हो जाएंगे ये फूल, अभी इनमें पानी डाल देना थोड़ा थोड़ा, हाँ ये दे दो, अब भी इसने 3-4 बोतल का ना, दो ही बोतल काट के हो गया ना, मैंने यहाँ से भी लो, यहाँ भी लगा देते हैं, चुनरी के पीछे क्या है, मैं सोच रही थी मेरे को सपने में आया था तो मैंने बनाया, वाह माई के सपने में भी आते हैं, माई के सपने में आया, मनु ने बना दिया ना, मनु भगवान का समय यूट्यूब से नहीं देखा, मैं देख रही थी पर मिला नहीं, नींद वाला दिल्ली हमारे आए बोए रहते वाले किरण, दिल्ली वाले हमारे ऐसे बोए रहते हैं, एक और जगह होता है मैंने किसी के घर में देखी थी, लेकिन वो बड़ी बड़ी बोतलें होती है ना, और वो भी तो होते कटोरे टाइप, चप्पल में भी थे, दारू की बोतल में भी थे, दारू की बोतल से मानती, चप्पल में भी डांस करते हैं आर्ची नदी के पीछे वाला, दोनों भाई बहनों का होने लग गया डांस, चलो गाओ भी गाना, खाली चुंडी के पीछे क्या है बोलते रहोगे, उससे आगे क्या है, चुंडी के पीछे का राज, चलो गाओ गाना भी गाओ, गाना भी नहीं गा रहा गधेड़ा, मन तो अपने काम में लग गया, और ये दोनों अपने काम में लगे, देखो गाइस करोड़ों लाखों मिलियंस की, क्योंकि करोड़ों लाखों मिलियंस की
पीछे क्या है ये बंटी को लग गया पीछे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, चूड़ियों के पीछे। आज बन रही है प्याज की सब्जी सूखी वाली टमाटर डाल के, मेरी फेवरेट है। आयुष और बच्चा पार्टी भी मेरी आ गई है पढ़ाई करके। आज ट्यूशन, आज संडे था, ट्यूशन की थी छुट्टी। और आयुष माया अभी उस कमरे से निकलने पढ़ाई करके। और दीप आया, रे इसमें कपड़े कपड़े हैं, और कान के तो है ही नहीं, कान के भी तो दिए थे मैंने। और पूरी शंट की शंट की दूंगा, सुन मेरी रानी।
कैसे लगे।